हेलो गाइस, तो आज ही हमारे घर पे डिलीवर हुआ ये लॉन्ड्री बास्केट, तो जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसका क्वालिटी कैसा है। और ये निकल के आ गया लॉन्ड्री बास्केट। लुक एंड फील काफी अच्छा है और यहाँ पे इसके अंदर इसका ढक्कन दिया गया है। ढक्कन को आपको इस तरह से यहाँ पे फिक्स करना है, काफी आसान है इसे फिक्स करना। एक साइड में आपको उसमें इंसर्ट करना है और इस साइड एकदम हल्का सा पुश करके उसे स्लाइड कर देना है अंदर और ये फिक्स हो गया। और ढक्कन पकड़ के भी मैं इस बास्केट को उठा ले रहा हूँ, ढक्कन नहीं निकल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि ढक्कन निकल जाएगा। और इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक नहीं है, लचीला प्लास्टिक है, तो इसका ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छा होगा। और ये बास्केट मीन्स यूज़ करने के हिसाब से बहुत सही है, काफ़ी बड़ा बास्केट है ये। दाम के हिसाब से भी मैं ठीक ही बोलूँगा, थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस है बट क्वालिटी भी अच्छा है। मीन्स आप नॉर्मली जैसा दूसरा बास्केट अगर ले रहे हैं तो उससे बेटर मुझे लग रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे छेद हैं तो अल्टीमेटली इसमें आपको गंदे कपड़ों को रखना है तो इसमें बदबू नहीं आएगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी छोटे छोटे छेद हैं जो कि आपको दिख रहा है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं बास्केट के साइड में इसको उठाने के लिए एक स्पेस दिया गया है ताकि आप इजिली, अगर इसमें कपड़ा भरा हुआ हो तो इजिली आप इसको मूव कर सकें कहीं भी। हालांकि उसके जगह पे ये लोग हैंडल डाल सकते थे या फिर वहां पे एक प्लास्टिक कवर होना चाहिए था, क्योंकि गैप से कई बार ये होता है कि आपके घर में अगर लिजर्ड वगैरह हैं या कॉकरोचेस वगैरह हैं तो वो इन सब जगहों पे जाके घुस जाते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे मैं इसका एक नेगेटिव पॉइंट बोलूंगा, बाकी ये बास्केट सही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।